दोस्तों महिंद्रा थार रॉक्स को मिलेगा डिजिटल स्क्रीन के साथ एडास। नई टीजर में हुई कई खुलासे, तो आइए देखते हैं वीडियो में। दोस्तों नई टीजर में दिखाया गया है कि थार रॉक्स ड्राइवर डिस्प्ले के लिए डिजिटल स्क्रीन के साथ आएगी और इसे XUV 700 से लिया जाएगा। दोस्तों इसमें एक नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा जो सबसे पहले XUV 400 में आया था और अभी के समय XUV 300 में भी मौजूद है। दोस्तों महिंद्रा थार रॉक्स अपना इंजन स्कॉर्पियो एन थार और XUV 700 के साथ साझा करेगी। तो आइए जानते हैं महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों महिंद्रा थार रॉक्स भारतीय बाजार में 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली है और इसी तरह कंपनी ने थार के 3-डोर वर्जन को भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। दोस्तों ब्रांड आने वाले XUV के लिए नए टीजर जारी कर रहा है और नए टीजर में कुछ ऐसे फीचर्स दिखाए गए हैं जो थार रॉक्स में मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं इसके फीचर्स और इंटीरियर डिटेल्स के बारे में। दोस्तों नई टीजर में दिखाया गया है कि थार रॉक्स ड्राइवर डिस्प्ले के लिए डिजिटल स्क्रीन के साथ आएगी और इसे XUV 700 से लिया जाएगा। दोस्तों इसमें हिल होल्ड कंट्रोल और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी होगा, इसलिए थार रॉक्स एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी कि एडास के साथ भी आएगी और ये उम्मीद की जा सकती है कि एडास के लिए हार्डवेयर XUV 700 से लिए जाएंगे। दोस्तों इसमें एक नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा जो सबसे पहले XUV 400 में आया था और अभी के समय XUV 300 में भी मौजूद है। दोस्तों ये 26.03 सेंटीमीटर की स्क्रीन है जो एंड्रॉइड ऑटो के साथ साथ एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करेगी। दोस्तों इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होगा और डैशबोर्ड के कुछ डिजाइन एलिमेंट्स मौजूदा थार से लिए जाएंगे। दोस्तों ब्रांड ने पैनोरमिक सनरूफ और लेदर अपहोल्स्ट्री की मौजूदगी की भी पुष्टि की है और डैशबोर्ड के साथ साथ डोर पैड पर स्टिकिंग है जिससे इंटीरियर को प्रीमियम फील मिल सके। दोस्तों इसके टॉप एंड वेरिएंट में सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही इसे हरमन कार्डन साउंड सिस्टम भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों महिंद्रा थार रॉक्स अपना इंजन स्कॉर्पियो एन थार और XUV 700 के साथ साझा करेगी, इसलिए इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन और 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा और इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा। दोस्तों इसे 4x4 सिस्टम भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ।